और आप भी अपने घर में सभी एल्युमिनियम के बर्तन हटा दें, स्वस्थ रहना है तो। एल्युमिनियम के बर्तन में आज तो बचा लेंगे, परंतु भविष्य में आपको बीमारियों के लिए दवाइयों में खर्च करना पड़ेगा। तो आप आज ही अपने किचन से एल्युमिनियम के बर्तन हटा दें, लोहे के यूज़ करें बर्तन या स्टील के। नमो नमः, आपका स्वागत है वैदिक जीवनी यूट्यूब चैनल पे। आज एक ये अलग प्रकार का वीडियो है जिसपे हम लोग भोजन और आयुर्वेद से संबंधित वीडियोस बनाते हैं सीरीज़ में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, ये एक अल्मुनियम का आपका तवा है, डोसे डोसा बनाने वाला, डोसा या उत्पम जो भी बनता है उसके लिए। इसी कंडीशन आपको शायद दिख रही होगी, ये टेफ्लॉन कोटिंग वाला है। अगर ज़्यादा इसको हार्ड तरीके से आप वॉश करेंगे, रगड़ेंगे, तो टेफ्लॉन कोटिंग निकल जाएगी और अल्मुनियम दिखने लगेगा। और अगर आप अच्छे से रगड़ के साफ नहीं करेंगे तो आप देख सकते हैं ये इस तरीके का गंदा हो जाएगा, तो एक अलग प्रॉब्लम है ये। और अल्मुनियम काफ़ी हानिकारक होता है भोजन बनाने में, जो ये अल्मुनियम का पात्र तो यूज़ नहीं करना चाहिए। जैसा कि हम लोगों ने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया अल्मुनियम की कढ़ाई को लेके, तो ये तवा पे है। तो देखिए आप, मैं दिखाता हूँ आज आपको, ये है लोहे का तवा, ये डोसा तवा है लोहे का। और ये इसका डिज़ाइन आप देख सकते हैं, जैसा ये कंपनी का ये टेफ्लॉन कोटिंग वाला तवा आता है उसी टाइप का डिज़ाइन है। और ये मशीन से बना हुआ है, काफ़ी उसका जो शेप है, डिज़ाइन है, बहुत ही अच्छा है। और इसका वेट भी ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में। वेट ज़्यादा होने से क्या होगा कि आपका इसमें कंजम्पशन जो आपका गैस का, एलपीजी का, वो कम होगा, क्योंकि अगर एक बार गर्म हो जाएगा तो देर तक गर्म रहेगा तवा। और जो ये एल्युमिनियम वाला होता है, एक बार गर्म होगा जल्दी ठंडा होगा फिर गर्म करना पड़ेगा, तो आपका इसमें एलपीजी या गैस का खपत ज़्यादा होगा और इसमें कम होगा। हेल्दी भी है, इसको वॉश करना भी आसान है, आप लोहे की जाली से भी साफ कर सकते हैं, कोई कोटिंग उतरने खराब होने का कोई टेंशन नहीं रहेगा आपको इसमें। तो ये है लोहे का डोसा तवा, लकड़ी का हैंडल है इसमें, हैंडल देखिए लकड़ी का है, किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी इसको पकड़ने में, गर्म भी नहीं होगा। और ये जो देख सकते हैं, ये प्लास्टिक का हैंडल है इसमें, ये ढीला हो जाना, टूटना होना कॉमन प्रॉब्लम है। और ये निर्लैप ब्रांड का है, शायद आपको दिख रहा हो, कोई मतलब नहीं है। अगर आप इसको नॉन स्टिक में जाएंगे तो 1200 रुपये का आएगा और ये मात्र मात्र 270 रुपये का मुझे मिला है। एकदम अच्छी क्वालिटी का, काफ़ी वजन भी है इसमें। और इसमें अगर खाना बनाएंगे आप, डोसा बनाएंगे, यूज़ करेंगे तो आपको हेल्थ में बेनिफिट होगा, और इसमें करेंगे तो केवल नुकसान होगा हर तरीके से। तो इस पर हम लोग एक डोसा बना के आपको दिखाते हैं कैसा बनता है। तो वीडियो अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आप भी अपने घर में सभी एल्युमिनियम के बर्तन हटा दें, स्वस्थ रहना है तो। एल्युमिनियम के बर्तन में आज तो बचा लेंगे, परंतु भविष्य में आपको बीमारियों के लिए दवाइयों में खर्च करना पड़ेगा। तो आप आज ही अपने किचन से एल्युमिनियम के बर्तन हटा दें, लोहे के यूज़ करें बर्तन या स्टील के। तो चलिए देखते हैं इसमें डोसा कैसा बनता है। गौ माता के लिए सभी को निकालना चाहिए पहला जो भोजन का, अगर पकाते हैं रोटी या पराठा कुछ भी, तो पहला जो भोजन निकलता है गौ माता के लिए निकालना चाहिए। अभी ये दूसरा डोसा बन रहा है। बड़ा सा बनाओ भाई, वाह वाह सिखा, वाह 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 वा। जब फुल साइज बन गया है डोसा। वाह वाह वाह, एकदम एकदम बहुत सुंदर निकला है, बहुत सुंदर। Thank you.
वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। इसी प्रकार से आयुर्वेद से संबंधित आपके जो जो दैनिक जीवन से संबंधित जो वीडियो होते हैं लाभकारी वीडियो वो बनाते हैं। तो अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने कढ़ाई का वीडियो अपलोड किया था, अभी तवे का है, कुछ और वीडियो लाने वाले हैं हम लोग इसी प्रकार के और आते रहेंगे। तो हमारे चैनल से जुड़े रहें और अधिक से अधिक लोगों को इस चैनल से जुड़े। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।